हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास। आज हमारा सेकेंड क्लास है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, आज हम लोग पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। सो ऐसा करते हैं, उस वीडियो में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो एक दो बार आप और देख लीजिए, हो सकता है आज। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज थर्मल पावर प्लांट। आज हम लोग सबसे पहले क्या जानने वाले हैं, थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानेंगे कि ये कैसे प्लांट्स होते हैं। तो इट इज़ अ प्लांट, अब इसको पौधा मत समझ लीजिएगा, ओके। इट इज़ अ प्लांट इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स मेनली को। ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। ज़्यादातर इसमें कोल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके वर्किंग को देखेंगे, अब ये कैसे काम करता है, कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एट फर्स्ट कोल इज़ बर्नड इन फर्नेस ऑफ स्टीम बॉयलर। सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टीम बॉयलर के फर्नेस मीन्स भट्टी में कोयला को क्या किया जाता है, बर्नड किया जाता है, जलाया जाता है। हाई प्रेशर स्टीम इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई प्रेशर होता है। इट इन टर्बाइन दिस स्टीम फोर्स रोटेट्स द टर्बाइन ब्लेड्स। टर्बाइन में क्या होता है, जब इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो इससे स्टीम निकलेगा, स्टीम से एक फोर्स आएगा, और ये फोर्स क्या करता है, टर्बाइन ब्लेड्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा। एज इट रोटेट्स, जैसे ये घूमेगा, द जनरेटर डू इट्स वर्क, जनरेटर अपना काम करने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। ओके, दिस इज़ सो ईजी। कितना ईजी है, पहले कोयले को फर्नेस में डालना है, फिर हाई प्रेशर में स्टीम फोर्स होगा, वो स्टीम फोर्स क्या करेगा, टर्बाइन ब्लेड्स को घुमाएगा, और जैसे ही वो घूमेगा जनरेटर एक्टिवेट होगा, अपना काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट, हाइड्रो पावर। हाइड्रो में तो पानी होता है, ओके, हाइड्रो पावर। तो सबसे पहले जानेंगे वॉट कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमको जानना है। इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग एंड रनिंग वाटर। सबसे पहले हमें यह जानना है कि अगर हाइड्रो पावर है तो इससे रिलेशन हमारा पानी से है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे तब ही जब ये बहुत ही स्पीड से रनिंग में हो या गिर रही हो कहीं से, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेंगे। इट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है कि पानी जब गिरती है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसे हमने दूसरे वीडियो में पार्ट वन में डिस्कस कर दिया है, ओके। अब इसके वर्किंग को देखेंगे, तो डैम इज़ मेड ओवर अ रिवर टू कलेक्ट वाटर इन लार्ज अमाउंट। हमें पता है कि डैम क्यों बनाते हैं, डैम हम लोग किसी भी नदी के ऊपर बनाते हैं ताकि लार्ज अमाउंट में हम पानी को जमा कर सके, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर वी कैन क्रिएट और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वन वाटर कम्स विद हाई स्पीड, जब पानी बहुत तेज़ी से आता है, इट रोटेट्स द टर्बाइन, वो टर्बाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड एक्टिवेट्स द जनरेटर, और जनरेटर को एक्टिवेट करेगा, और जब जनरेटर एक्टिवेट होगा तो वो अपना काम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब इसके कुछ डिसएडवेंटेजेस हैं, ए लार्ज एरिया इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ डैम। सबसे पहली बात, अगर डैम को बनाना है तो उसमें बहुत बड़े जगह की ज़रूरत होती है। इसके रिजल्ट में रिहैबिटेशन ऑफ पीपल, मतलब लोगों को क्या होता है, अपना घर खाली करना पड़ता है, सब दिक्कत आ जाती है। इट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस विच लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे क्या होगा, मीथेन गैस भी निकलेगा जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हुआ। यानी इसके फायदे भी हैं, साथ ही साथ इसके नुकसान भी हैं। एंड नाउ दिस इज़ अवर बायोमास। बायोमास के बारे में हम जानते हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज वुड, वेस्ट, काउ डंग एक्सेट्रा। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम डायरेक्टली प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से, लकड़ी से या काउ डंग, गोबर से, इन सब चीज़ों से प्राप्त करते हैं। इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, ये बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो स्मोक बहुत ही ज़्यादा क्रिएट करता है। एंड नाउ अवर पॉइंट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस गोबर गैस और बायोगैस। अब हमको क्या करना है, गोबर गैस और बायोगैस कैसे बनाना है। अब इसका कुछ पॉइंट्स में हमने लिखा है, उसको डिस्कस करते हैं। बायोगैस प्लांट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। बायोगैस प्लांट जो होता है वो ब्रिक्स से बना होता है। वेरियस फॉर्म ऑफ बायोमास आर मिक्सड इन इक्वल क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सिंग टैंक। बहुत तरह के बायोमास को क्या करते हैं, हम मिक्सिंग टैंक में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जिससे वो क्या बनाता है, स्लरी हो जाता है, मतलब एक घोल बन जाता है। नाउ द स्लरी इज़ फेड इन टू द डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट चैम्बर। उसके बाद इस स्लरी को इनलेट चैम्बर में
इनलेट चैम्बर के थ्रू डाइजेस्टर में भेजा जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ जाता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे इस स्लरी को डिकम्पोज करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और गैसेस निकालेगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जैसे, है ना। उसके बाद ये गैस को हम क्या करेंगे, चैम्बर में स्टोर कर लेंगे और दीज गैसेज आर कॉल्ड बायोगैस, और इन्हीं गैस को हम बायोगैस कहेंगे। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। नो स्मोक नो ऐश, इससे कोई स्मोक नहीं होता है, कोई ऐश नहीं होता है, मतलब कोई राख नहीं बसता है। लार्ज सप्लाई ऑफ हीट, मतलब इससे बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ हीट होगा। वेस्ट लाइफ इन बायोगैस इज़ अ गुड फर्टिलाइज़र, जो भी वेस्ट बायोगैस से बचेगा वो फर्टिलाइज़र के जैसा काम करेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको कुछ भी नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे, और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया। थैंक यू।